हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, एक बात समझना, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले सम प्री रिक्वायरमेंट कि आपको ज्योमेट्री का बेसिक आइडिया होना चाहिए, लाइक बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, या फिर सर्कल की, पैराबोला की, इनकी बेसिक इक्वेशन क्या होते हैं, उनका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, एज वेल एज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का भी बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, लाइक मॉड्यूलस, आर्गुमेंट, इनकी प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन। आई रिक्वेस्ट क्योंकि अगर आपको वो पार्ट नहीं आता तो जस्ट एक बार उसको रिकॉल कर रहे देन watch this video, because मैं कुछ terms directly use करूँगा, because I would only be explaining the geometrical part involved in the complex number. So, starting with this term, ये पढ़ा होगा अपने complex number में, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं modulus of z. Now, सबने पढ़ रखा है कि modulus z का value होता है under root of x square plus y square, under the condition के z हो x plus i y. But, इस mod z का geometrical meaning क्या होता है? तो एक simple चीज मुझे बोलो, suppose करें हम लोग कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक पॉइंट है x, y। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि x, y पॉइंट अगर यहां पे है और इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, ठीक है, सो आपके पास डिस्टेंस कितना आएगा? ये आएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और अगर अब मैं इस चीज को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दूं तो हम लोग क्या करते थे, z को हम लिखते थे x प्लस आई वाई। So, x plus i में लिखा, that means simple सा, ये x, y इस coordinate को denote करेगा, और अब आपको दिख रहा होगा कि जो modulus z है, वो तो यही distance था basically। So, जब भी हम mod z लिखते हैं, इसका मतलब होता है distance between two complex number। आप बोलोगे सर आपने तो एक ही दिखा हुआ है, तो क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, it is nothing but modulus of z minus zero, ठीक है? That means z और zero के बीच का distance, ये denote करेगा आपके पास ये value, तो इसको मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड ओरिजिन। ये मुझे इस मॉड जेड से पता चलेगा। सो यहां से एक फर्स्ट अपना टर्म सामने आएगा, विच इज डिस्टेंस, कि जब भी हमको मॉड्यूलस में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है तो इट डिनोट्स डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सिमिलर वे में अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल सा, जेड टू और जेड वन दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अज्यूम कर लो जेड वन है आपके पास एक्स वन प्लस आई वाई वन, z2 को अज्यूम कर लो x2 प्लस iy2। जब इस टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या ये ऐसा दिखेगा, x2 माइनस x1 प्लस i टाइम्स y2 माइनस y1। और जब उस पूरे टर्म का मॉडुलस निकालोगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, विच इज एग्जैक्टली जो आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। सो इस चीज को मैं लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2, सॉरी इस केस में x1 x2 नहीं, इस केस में क्या आ जाएगा अपने पास z1 एंड z2। तो इट डिनोट्स डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। अगेन z1 z2 आपके पास हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्लेन में कहीं भी लाई कर सकते हैं। नाउ ये तो इसके दो बेसिक टर्म्स थे, अब मैंने इसी के बेसिस पे कुछ आगे टर्म्स और सॉल्व कर रखे, उनकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, इनको भी समझते हैं, थोड़ा इसको समझने का ट्राई करना। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहला वाले आपको दिख रहा होगा मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z1, सो इसका मीनिंग हमने अभी लिख लिया, इट इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ z1 फ्रॉम z। मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z2, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगेन डिस्टेंस ऑफ z2 फ्रॉम z। और इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। नाउ अब थोड़ा सा इस चीज को समझना, इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूं, लेट अस से यहां पे z1 है, यहां पे आपके पास z है, ठीक है, और अब जो मेरे पास z का z1 से डिस्टेंस है वो तो ये रहा, ठीक है, इसी z का z2 से डिस्टेंस है जिसको मैं ऐड करूंगा तो मुझे z1 z2 के बीच का डिस्टेंस मिलेगा। तो ये पता है कब पॉसिबल है, जब ये z2 की लाइन में आपको z1 मिले, सॉरी जब ये z2 आपको जो होगा ये z z1 की लाइन में मिलेगा तभी ये पॉसिबल होगा अपने पास। देखना कैसे, सबसे पहले मैं इस डिस्टेंस को ऑब्जर्व करता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z1, सो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z1, नाउ सेकेंड डिस्टेंस इज मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z2, मतलब z और z2 के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z2। एंड थर्ड जो आपने को दिया था वो क्या दिया था, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, तो ये पूरा
जो था ये बन गया मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। सो कहने का मतलब क्या आया, यहां से एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मिला कि इन दोनों डिस्टेंस का सम इज इक्वल टू कंप्लीट डिस्टेंस। ऐसा तो हमने पढ़ रखा है कि नहीं, ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल टू ए बी, विच वॉज नथिंग बट कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। इससे मैं इतना बोल सकता हूं कि z1, z और z2 ये तीनों कोलिनियर होंगे अपने पास, तो इसको हम लिख सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर कौन सा, z1, z और z2, ये तीनों आपस में अपने पास क्या हो गए, कोलिनियर। प्रूफ कैसे किया वो समझा, अगेन द सेम कंडीशन डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या हो गया, हमने जस्ट इसके ऊपर प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व किया मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z1 का मतलब हुआ z और z1 के बीच का डिस्टेंस। सो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1, सिमिलरली ये हो गया डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z2। जब किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस दो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर से सेम चला, इसका मतलब क्या हुआ, सो इसको थोड़ा समझना। आपसे अगर मैं ऐसा बोलूं, सपोज करो a एंड b आर टू पॉइंट्स, नाउ फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट p सच दैट डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इसको आप क्या बोलोगे, पहले p को आप मिड पॉइंट ले लोगे, फिर इसी लाइन के या इसी पॉइंट के ऊपर नीचे इट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने देख रखा है ऑलरेडी कि जब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का डेफिनेशन का, तो उसका डेफिनेशन वही होता है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे यही चीज हुआ, z का z1 से डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू z का z2 से डिस्टेंस, मतलब ये अपना डिनोट करेगा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां जो अपना z है वो किसको डिनोट कर रहा है अपने पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। नाउ इस तरीके से लास्ट वाले पार्ट को भी देखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू z1 माइनस z2, कुछ इस टाइप का ही दिख रहा है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना। z माइनस z1, अगेन मैंने इसको ऐसे कुछ प्लॉट किया, लेट अस से यहां पे मेरे पास है z, यहां पे है z1 एंड मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z2। अब यहां पे क्या हो रहा है, पिछले केस में सम था तो मैंने दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दिया था, यहां पे डिफरेंस है, डिफरेंस केस थोड़ा केयरफुल रहना। z का z1 से जो डिस्टेंस है और z का z2 से जो डिस्टेंस है, जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, z1 z2 के बीच का डिस्टेंस, तो ये कब होगा पता है, जब z2 यहां पे नहीं लाया। अब खुद आप समझने का ट्राई करो, z माइनस z1 क्या, आई कैन सी दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z1, ये पूरा लेंथ हो गया। नेक्स्ट इज z माइनस z2, ये हो गया अपने पास z माइनस z2। जब मैंने इस पूरे लेंथ में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो बचा क्या अपने पास, z1 माइनस z2 का मॉड्यूलस। इसमें एक खास बात क्या हुई और इन दोनों में क्या डिफरेंस था वो समझना, जब मैंने प्लस करके सम निकाला था तो पॉइंट्स कोलिनियर थे, नो डाउट कोलिनियर यहां पे भी है, बट इन दिस केस जो आपका z है दैट लाइज बिटवीन z1 एंड z2, यहां भी कोलिनियर है, इसको भी मैं कोलिनियर ही बोलूंगा, बट यहां पे एक छोटा सा डिफरेंस है, इस केस में जो आपका z है वो z1 z2 के बीच में कभी नहीं हो सकता, ये z जो है आइदर ये हमेशा आपके पास z2 के इस साइड लेफ्ट साइड या z1 के राइट साइड, दोनों में से किसी भी एक साइड लाई कर सकता है, बट ये z आपके पास कभी भी z1 z2 के बीच में लाई नहीं करेगा। तो इस केस में लिखूं कोलिनियर तो रहेंगे बट z डज नॉट लाइज बिटवीन z1 एंड z2, इस बात को लेकर केयरफुल रहना। तो ये हम लोगों ने डिस्टेंस के बेसिस पे जितने पॉसिबल केसेस थे इन सब केस को डिस्कस किया। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट रहेगा अपने पास सेक्शन फॉर्मूला। ओके सो अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूले का केस। सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पढ़ा था, जहां पर हमने केसेस देखे थे, याद करो इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन। जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स को रेशियो में डिवाइड करता है, सपोज एम इज टू एन के रेशियो में, तो वो पॉइंट उनके बीच में भी लाई कर सकता है और उनके आउटसाइड भी लाई कर सकता है। जब बीच में आके डिवाइड करेगा तो उसको हम बोलते थे इंटरनल डिवीजन, बाहर करेगा तो एक्सटर्नल डिवीजन। वही केस यहां भी है, इनफैक्ट फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ, जो पॉइंट ए और बी थे दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय जेड वन एंड जेड टू। ओके फर्स्ट केस को समझते हैं अपने इंटरनल डिवीजन के। सपोज करो अपने पास जेड वन और जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और देर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो इनके बीच में लाई करता है, विच डिवाइड्स देम इन द रेशियो n इज टू n। कुछ नया नहीं करना, जस्ट रिकॉल करो कि अगर यहां पे आपके पास पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए होते और पॉइंट पी
उसको एम स्क्वायर में डिवाइड कर दो। इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से याद करो, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। सेम लॉजिक यहां भी चलेगा। अगर मुझे z पे कमेंट करना है सो इस z को मैं लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट m टाइम्स z2 प्लस n टाइम्स z1 बाय m प्लस n। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, सिर्फ वहां पे क्या था अपने पास x y दो कोऑर्डिनेट थे, इसलिए दो बार फॉर्मूला अप्लाई किया था, x के लिए अलग y के लिए अलग। यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों काउंट जाते हैं, रियल पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट भी, इसलिए दोनों फॉर्मूले में एक साथ ही आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलर वे में अगर एक्सटर्नल डिविजन को ऑब्जर्व करें, सो एक्सटर्नल डिविजन में क्या होता था कि सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2, पर अब जो z है वो z उसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द रेशियो m is to n, such that ये वैल्यू हो गया आपके पास m एंड दिस वैल्यू बिकम्स m। नाउ अगेन सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, बट डिफरेंस कहां पे आता है अपने पास, यहां पे प्लस की प्लेस पे क्या आ जाता है, माइनस साइन। अगेन विल स्टार्ट विद द सेम एक्सप्लेनेशन, z का वैल्यू जो यहां बनेगा वो अब क्या हो जाएगा, m टाइम्स z2, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, m टाइम्स z2 माइनस, प्लस के प्लेस पे माइनस बिकॉज एक्सटर्नल डिविजन था, माइनस n टाइम्स ऑफ z1, n टाइम्स ऑफ z1, दे होल अपॉन m माइनस n। सो ये हो जाएगा अपने पास सेक्शन फॉर्मूला इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिविजन। एंड सिमिलरली अगर हम बात करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिकॉज कहने की इन्हीं की हेल्प से हम लोग निकालते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब अपने पास m is to n दोनों रेशो या दोनों का वैल्यू सेम हो जाए, तो रेशो क्या हो जाए, 1 is to 1, तो कुछ नहीं, इसी को मैंने वापस से पुट कर दिया कि यहां पे हो गया अपने पास z1, this becomes z2, और यहां बीच का पॉइंट आ गया अपने पास z, which divides this into ratio 1 is to 1। तो सिंपल सा, जब 1 is to 1 हो गया तो डायरेक्टली ही मुझे आंसर मिलेगा z is equal to z1 plus z2 all upon 2। So, यहां से अपना बन जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, विच इज सेम एज जो हम निकालते थे पॉइंट्स के केस में, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। Okay, so this was all about section formula। I think पूरा पार्ट is similar to coordinate geometry, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम चलेगा exactly। Okay, so अभी हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर लिया, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लिया, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर में एंगल्स को कैसे यूज करते हैं वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम लोगों की बेसिक तीन टर्म्स समझ लेंगे तो हम कुछ इनिशियल लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इसको ऑब्जर्व करना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दिख रहा होगा मैंने दो लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करा रखा है एट पॉइंट जेड थ्री विद एंगल बिटवीन देम इज थीटा। अगर मुझे इस थीटा पे डायरेक्टली कमेंट करना हो तो नाउ अब यहां पे मैं यूज करूंगा एक टर्म आर्ग्यूमेंट का। आर्ग्यूमेंट आपने पढ़ा होगा, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालते हो दैट इज नथिंग बट टैन इनवर्स ऑफ उसका इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। तो इसी पार्ट से यहां मुझे एक आंसर मिलता है कि अगर मुझे इस थीटा का वैल्यू चाहिए सो दिस थीटा इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड थ्री फाइनल अपॉन इनिशियल जेड वन माइनस जेड थ्री। बेसिकली हुआ क्या, जेड थ्री के रिस्पेक्ट में जेड वन से लेकर जेड टू तक हम लोगों ने इस एंगल को कंसर्ट किया, या यू कैन से ये एंगल बना है अपने पास, तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन जेड वन माइनस जेड थ्री। लॉजिकली कहां से आया उसको भी समझ लो। आर्ग्यूमेंट को आप कैसे डिफाइन करते थे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का या जो भी लाइन का आपके पास एक्स के साथ एंगल बनता था उसका थीटा बेसिकली। सो यहां पे वही है, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z3 यहां पे कहीं कुछ दिखेगा, दैट इज दिस कंप्लीट एंगल, और जब इसको एक्सटेंड करोगे तो ये यहां पे मिलेगा। सपोज सिमिलर से केस में आप प्लॉट कर देता हूं, लेट अस से मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, इसको भी एक्सटेंड कर दिया, और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट कर दी। नाउ जब मैं z2 माइनस z3 के आर्ग्यूमेंट पे कमेंट करूंगा तो वो दिखेगा कंप्लीट दिस एंगल विच इज अल्फा, और जब मैं z1 माइनस z3 के आर्ग्यूमेंट पे कमेंट करूंगा तो वो बन जाएगा अपने पास बीटा। एक्चुअली हमने कुछ नहीं किया, दिस अल्फा माइनस बीटा मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज थीटा, वो तो लिखा हुआ, बिकॉज आर्ग्यूमेंट क्या करता है, आर्ग्यूमेंट लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो करता था, विच इज आर्ग्यूमेंट ए माइनस आर्ग्यूमेंट बी इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ ए अपॉन बी। सो मैंने वही चीज को यहाँ पे यूज कर रखा है। नाउ इसी एप्लीकेशन से एक तो हम निकाल सकते हैं एंगल, सेकेंडली एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है, आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज रोटेशन थ्योरम। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको एंगल दे रखा हो तो उसको यूज कैसे करते हैं,
मोस्ट ऑफ द टाइम इसके क्वेश्चन जो आपके यूज होंगे वो यूज होते हैं एक तो इन केस ऑफ ट्राइंगल, सेकेंडली इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन. बी केयरफुल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रेगुलर पॉलीगन का केस और वर्टाइसेस पे कुछ कमेंट करना है सो देयर आर हाईली चांसेस कि आपको ये पार्ट यूज करना पड़े. तो व्हाट इज रोटेशन थ्योरम इसको समझना. सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z1 और जिनके रिस्पेक्ट में ऐसा लिखा हुआ है मैंने. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 से उठ के z2 पे चला गया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओनली. इस पूरे प्रोसेस में ये थीटा एंगल सबटेंड हुआ. अगर मुझे z1 का कोऑर्डिनेट पता है, मुझे एंगल थीटा पता है, तो मैं z2 पे क्या कमेंट करूंगा या फिर रिलेट कैसे करूंगा. तो इसके लिए बहुत सिंपल सा थ्योरम है, इसी को हम लिखते हैं z2 माइनस 0 अपॉन z1 माइनस 0. ऑब्जर्व करना है कैसे लिखा, कुछ नहीं, मैंने लिखा है फाइनल अपॉन इनिशियल. जो कॉम्प्लेक्स नंबर बाद में बना है विच इज z2 माइनस 0 अपॉन इनिशियल z1 माइनस 0 इक्वल टू इनका ही लेंथ. इस लेंथ को मैं क्या बोलूंगा, इसको बोल दू मॉड्यूलस z1 और ये क्या बन जाएगा मॉड्यूलस z2. हमने अभी देखा डिस्टेंस फॉर्मूले में. सो इसी चीज को मैं लिखता हूं मॉड्यूलस z2 माइनस 0 अपॉन मॉड्यूलस z1 माइनस 0 इनटू e टू द पावर i थीटा. आई होप आपको याद होगा e टू द पावर i थीटा क्या था. बेसिकली आप लोगों ने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म किया जिसका मॉड्यूलस यहां पे है और जिसका आर्ग्यूमेंट इज थीटा. अगेन द सेम लॉजिक, थीटा इज नथिंग बट इन दोनों के बीच का एंगल. तो मैंने उस नए कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करने के लिए पुराने कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट को यूज करके उन दोनों के बीच का और उसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया हम लोगों ने. ये सिंपल सा केस था जहां पे अपने पास 1.0 था. सपोज यही चीज को मुझे यहां अप्लाई करना है. ऑब्जर्व करना केयरफुली, अब मुझे क्या क्या दे रखा होगा, z1, z2, z3 और थीटा, ये चार चीजें हैं अपने पास. चारों में से मे भी हो सकता है कि अपने को z2 नहीं दिया हो, ठीक है. मुझे ये बोल रखा है कि z1, z3 को हम लोगों ने ऐसा एंगल से कुछ शिफ्ट किया कि अब वो z2 पॉइंट तक चला गया, तो बताओ z2 का वैल्यू क्या, या फिर इसमें रोटेशन थ्योरम अप्लाई कैसे होगा. कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट एज इट इज यही लगेगा. अप्लाई कैसे करना है उसको देखना. अगर मैं इस केस में रोटेशन थ्योरम लगाऊंगा तो कैसे होगा, क्या आई कैन से फाइनल पॉइंट इज या फाइनल पोजिशन इज z2 माइनस z3. जो यहाँ पे z2 माइनस 0 था ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, अब वो किसके रिस्पेक्ट में हो गया, z3 के रिस्पेक्ट में. तो इसको मैं लिखूंगा z2 माइनस z3 अपॉन इनिशियल. इनिशियल किसके रिस्पेक्ट में था, z1. तो ये हो जाएगा अपने पास z1 माइनस z3 इक्वल्स टू. अब हम बात करते हैं मॉड्यूलस का, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हुआ अपने पास मॉड्यूलस ऑफ z2 माइनस z3 और ये डिस्टेंस हो गया मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z3. सो मॉड्यूलस ऑफ z2 माइनस z3 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z3 इनटू e टू द पावर. अगेन सेम लॉजिक, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा. माइंड में हो सकता है कि आपको थीटा भी निकालना हो तो इससे सॉल्व हो जाएगा, और अगर थीटा नहीं पता होगा, z1 z2 z3 पता होगा, तो आप थीटा इससे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली इनटू e टू द पावर i थीटा. सो अगेन रोटेशन थ्योरम को अप्लाई कैसे किया वो समझना. मोस्ट इंपॉर्टेंट केस वॉज कि अपने को कुछ ना कुछ कंडीशन यहाँ पे दिया होगा, आपको समझेगा कि ट्रायंगल में अप्लीकेबल इजीली क्यों है और ट्रायंगल में इसका यूज क्यों होता है. अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो अपने पास अगर ट्रायंगल की दो वर्टेक्स पता हो और एक एंगल पता हो तो हम उससे थर्ड वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं विद यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. सिमिलरली मैंने रेगुलर पॉलीगॉन का केस इसलिए बोला आपसे बिकॉज अगर कोई पॉलीगॉन रेगुलर होगा तो आपको उसके सारे इंटरनल एंगल का मेजर पता होगा. अगर एक वर्टेक्स दे दिया तो आप सेकंड वर्टेक्स निकाल सकते हैं. तो ऐसे कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके नेक्स्ट केस में हम लोग. ओके, सो अब एक क्वेश्चन देखते हैं. कंडीशन दी आपको, इफ मॉडुलस ऑफ z1 + z2 इक्वल्स टू मॉडुलस z1 + मॉडुलस z2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z1 - आर्ग्यूमेंट z2. देखो वैसे तो क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर हम लोग इसको ट्राई करते हैं ज्योमेट्रिकल अप्रोच से, थोड़ा इजी रहेगा और जहां पे लॉजिकली आपको समझना रहेगा बस कि यहां पे क्या कंडीशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूलस z1 + z2 लिखा हुआ है. सेकंड, अपने को ये पता है कि मॉड्यूलस को डिस्टेंस तो हम रिप्रेजेंट करते थे, पर कब करते थे, जब उनके बीच में डिफरेंस लिखा हो, पर यहां तो प्लस लिखा है. चलो देखते हैं उसको कैसे एडजस्ट करना है. नेक्स्ट इज इक्वल टू मॉड्यूलस z1 + मॉड्यूलस z2. मैं एक काम करता हूं, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है क्या इसको आई कैन राइट मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस ऑफ माइनस z2, क्या इसको ऐसा लिख लो, बिकॉज अभी डिस्टेंस के फॉर्म में आ गया तो सॉल्व करना इसको आसान हो जाएगा. इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने पास मॉडुलस z1 माइनस 0, लिख सकता हूं वही z1 का 0 से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस. और जो सेकंड केस है ये, इसको मैं लिखता हूं मॉडुलस z2
या माइनस ऑफ जेड टू माइनस जीरो, अब आपको समझेगा ऐसा क्यों लिखा है मैंने, उसका रीजन है मॉड्यूलस ऑफ जेड टू निकालो या मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड टू, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज मॉड्यूलस है आप नेगेटिव लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट प्लस बन जाएगा वो आगे चलते हैं, सो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट नो डाउट डिस्टेंस वाइज वैल्यू सेम रहेगा पर कॉम्प्लेक्स नंबर बदलेगा। अब देखना कैसे, क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने वो प्रॉपर्टी काम आ रही है क्या, तो प्रॉपर्टी कौन सी वाली बात कर रहा हूं मैं, जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। सो ये कंडीशन तो हमने देख रखी है, ये कंडीशन तो अपने पास कोलिनियर पॉइंट्स की थी, सो उसमें भी कौन सी कंडीशन, जब जेड टू जो है जेड वन, सॉरी जब जेड जो है जेड वन जेड टू के बीच में लाया करता था, यहां पे जेड का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो यहां पे जेड का रोल प्ले कर रहा है जीरो, दैट इज ओरिजिन। तो इस केस को समझना, ये कैसा होगा अपने पास, सपोज करो यहां पे है अपना ओरिजिन, यहां पे है जेड वन, तो इसी के ऑपोजिट में इसी लाइन के आगे कहीं तो अपने पास होगा माइनस जेड टू। ये समझना कि माइनस जेड टू क्यों लिखा है, बिकॉज पूरे इक्वेशन में पूरे एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ जेड टू नहीं है, माइनस जेड टू इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड माइनस जेड टू, जो ये डिस्टेंस है जेड वन माइनस जेड टू, इसका मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ जेड वन फ्रॉम ओरिजिन विच इज ये हो गया मॉड्यूलस जेड वन, इसका मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ माइनस जेड टू फ्रॉम ओरिजिन, तो ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड टू। तो इसीलिए अपने पास यहाँ पर कंडीशन मिला है कि जब मैं इस पूरे डिस्टेंस को ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे मिलता है मॉड्यूलस ऑफ जेड वन प्लस दिस, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ जेड वन जीरो एंड जेड टू विद नेगेटिव साइन, ये तीनों आपस में क्या हो गए, कोलिनियर। अब अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा था आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, नो डाउट मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास तो माइनस जेड टू है, तो क्यों सोचेंगे, माइनस जेड टू में अगर मैं नेगेटिव का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या डिफरेंस आएगा, तो कुछ नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहां था इसी के अपोजिट उठ के यहां पे आ जाएगा। तो अब क्या होगा मेरे पास कि जब मैं जेड टू को ऑब्जर्व करूंगा तो ये जेड टू इसी लाइन पे जेड वन के आगे यहां कहीं दिखेगा, यहां आ जाएगा अपने पास जेड टू। अब एक बहुत सिंपल चीज ऑब्जर्व करते हैं, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या था अपने पास, कुछ नहीं, जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑब्जर्व करोगे तो उसका एक्स एक्सिस का बनने वाला एंगल, अगर मैं जेड वन को ऑब्जर्व करूं तो उसका भी एंगल यही थीटा है, और जेड टू को ऑब्जर्व करूं तो उसका भी एंगल सेम थीटा है, मतलब दोनों आर्ग्यूमेंट आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो आपको सीधे आंसर मिल जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू इज इक्वल टू जीरो। सो हमने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके या फिर लॉजिकल कंडीशन को यूज करके कमेंट कर लिया कि आर्ग्यूमेंट जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट जेड टू का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू जीरो फॉर दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, लेट जेड वन जेड टू बी टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर वन माइनस टी टाइम्स जेड वन प्लस टी टाइम्स जेड टू फॉर ऑल टी राइज फ्रॉम जीरो टू वन, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। नाउ अब ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, सो थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो, नो डाउट जेड वन जेड टू तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे पर अपने को जेड पे कमेंट करना है जो भी करना है। सो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं जेड को ऑब्जर्व कर रहा हूं और जेड को जब मैं लिखूंगा तो मुझे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन दिखेगी, 1 माइनस टी टाइम्स जेड वन प्लस टी टाइम्स जेड टू। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, कैसे ऑब्जर्व किया वो समझना, जेड वन का कोफिशियंट क्या है 1 माइनस टी, जेड टू का कोफिशियंट इज टी, अगर दोनों को ऐड किया तो क्या बन रहा है 1 आ रहा है बेसिकली, दैट मीन्स क्या मैं इसी के अपॉन में लिख सकता हूं 1 माइनस टी प्लस टी, क्या कुछ रिकॉल हुआ, एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन, इट इज नथिंग बट दिस, आपके पास सेक्शन फॉर्मूला, वो भी कौन सा केस, द केस ऑफ इंटरनल डिविजन। नाउ अब अगर सेक्शन फॉर्मूला लग गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहली कंडीशन जेड जेड वन और जेड टू तीनों कोलिनियर है और जेड जो है वो लाइन जॉइनिंग जेड वन और जेड टू को डिवाइड करता है इन द रेशियो टी वन इज टू वन माइनस टी। तो अब मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करता हूं, मुझे कंडीशन मिल गया कि तीनों होने चाहिए कोलिनियर, सो यहां पे जेड लिया जेड वन सॉरी यहां पे जेड टू और यहां पे जेड। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि रेशियो क्या होगा अपने पास, तो हम लोग हमेशा क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, जेड वन से मल्टीप्लाई है वन माइनस टी का, मतलब ये रेशियो ये वाला होना चाहिए विच इज टूवर्ड्स जेड टू, और जेड टू से मल्टीप्लाई है टी का तो ये होना चाहिए टूवर्ड्स जेड वन। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, टी टाइम्स जेड टू प्लस वन माइनस टी टाइम्स जेड वन अपॉन वन, सेम चीज लिखी हुई है। सो इससे मुझे एक चीज समझ गया कि जो अपना जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कोलिनियर है विद जेड वन एंड
Z2. Now, थोड़ा सा ऑप्शंस को ऑब्जर्व करेंगे. पहला ऑप्शन क्या लिखा है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू. आई थिंक अगेन द सेम प्रॉपर्टी. इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड वन. ओके, सो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड वन विच इज मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड वन. इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड टू, तो ये हो गया अपने पास मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड टू एंड मॉड्यूलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू. ये तो ये कंप्लीट डिस्टेंस हो गया, तो ये अपने पास सम करेक्ट आ रहा है. दैट मीन्स इन दोनों डिस्टेंस को एड करने पर अपने को आंसर मिल रहा है. सो दैट मीन्स ऑप्शन ए सो करेक्ट हो गया. नाउ द सेकेंड ऑप्शन जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जेड माइनस जेड टू. थोड़ा समझना, यहां पे था मॉड्यूलस, इसका मतलब डिस्टेंस था. यहां मॉड्यूलस नहीं है, यहां पे डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर है. दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल तब होते हैं जब उसके रियल पार्ट एज वेल एज उसके इमेजिनरी पार्ट दोनों ही क्या हो? सेम. या फिर अगर मैं ऐसा बोलूं आपके पास कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल, इसका मतलब उनका मॉड्यूलस भी इक्वल, उसका आर्ग्यूमेंट भी इक्वल. ठीक है, पहले मैं चेक कर लेता हूं कि अगर इन दोनों का मॉड्यूलस इक्वल हुआ तो मैं आर्ग्यूमेंट आगे देखूंगा. ठीक है, इसका मॉड्यूलस है जेड माइनस जेड वन मतलब ये डिस्टेंस ये लेंथ, और इसका मतलब हुआ जेड माइनस जेड टू ये लेंथ. क्या इन दोनों लेंथ इक्वल है? नहीं, वी कांट से. अगर रेशो 1:1 का होता तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ जो लेंथ इक्वल है, पर यहाँ रेशो क्या है? टी के फॉर्म में, दैट इज रेशो है t:1 - t. और नो डाउट टी हमको दे रखा है कि टी वेरी करता है फ्रॉम 0 to 1, तो क्या रेशो इक्वल हो इट्स कंपल्सरी? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. दैट मीन्स ये ऑप्शन ट्रू हो इट इज नॉट नेसेसरी. मूविंग ऑन टू थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन थोड़ा टिपिकल दिख रहा होगा, ठीक है, बट नो डाउट दिखने में टिपिकल है, पर उसका हमको सोल्यूशन कहीं ना कहीं पहले फोर्थ सॉल्व कर ले तो इजीली मिलेगा. उसका रीजन है आपको बोलता हूँ क्यों ऐसा. यहाँ पे आपको टर्म दिख रहा है जेड माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन, सेम टर्म्स यहाँ भी दिख रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं. पहले इस ऑप्शन डी को अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करूं तो क्या मैं इस आर्ग्यूमेंट को लेफ्ट हैंड साइड ला सकता हूँ? जब इसको लेफ्ट हैंड साइड लाया तो ये कुछ ऐसा बनेगा. आर्ग्यूमेंट ऑफ, हमने प्रॉपर्टी पर रखी है, आर्ग्यूमेंट जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट जेड टू इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट जेड वन अपॉन जेड टू. तो इसी को मैं लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड वन इक्वल्स टू जीरो. अब इसका मतलब क्या हुआ समझना? इसका मतलब हुआ यहां पे अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद करो, एंगल निकालने वाली, कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में हम लोग, वहां पर मैंने क्या लिखा था, एक एंगल निकालने का प्रॉपर्टी लिखा था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड थ्री अपॉन जेड टू माइनस जेड थ्री या जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन जेड वन माइनस जेड थ्री इक्वल टू थीटा. वही थीटा यहां भी लिखा हुआ है और वो थीटा जीरो लिखा है. इसका मतलब ये हुआ कि जेड जेड वन से बनने वाली लाइन और जेड टू जेड वन से बनने वाली लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल जीरो होना चाहिए. चेक कर लेते हैं. जेड जेड वन से बनने वाली लाइन तो ये हो गई और जेड टू जेड वन से बनने वाली लाइन भी यही हुई अपने पास. दोनों के बीच का एंगल क्या है? जीरो, बिकॉज दोनों लाइन सेम हो गई, कोइंसाइड कर रही है. That means ये प्रॉपर्टी करेक्ट हुआ तो आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया. अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि ऑप्शन डी की हेल्प से हम ऑप्शन सी भी सॉल्व कर सकते हैं, तो देखना कैसे. मुझे खाली इतना बताओ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जीरो, इसका मतलब क्या होता है? मैं सपोज मैंने आपसे बोला कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज जीरो, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जीरो कब आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जीरो तब आता है जब अपने पास उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली क्या हो जाए? रियल. तो दैट मीन्स ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ विच इज जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड वन माइनस जेड टू, दिस शुड बी प्योरली रियल. कैसे कमेंट किया वो क्लियर हुआ? बिकॉज इसका आर्ग्यूमेंट जीरो था, और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जीरो होता है तो वो प्योरली रियल होता है. अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हुआ, दैट मीन्स बोलू वो नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों सेम होने चाहिए. दैट मीन्स यहां पर एक कंडीशन बनेगा मेरे पास कि z माइनस जेड वन अपॉन जेड वन माइनस जेड टू शुड बी इक्वल टू इसी का कॉन्जुगेट. तो क्या वो ऐसा बनेगा? z कॉन्जुगेट माइनस जेड वन कॉन्जुगेट अपॉन जेड वन कॉन्जुगेट. हाँ, स्लाइट मिस्टेक, यहां पे जेड टू हो जाएगा एंड यहां पे जेड वन. ओके, नाउ उसी को करेक्शन कर लेते हैं बस खाली, यहां पे जेड टू एंड यहां पे जेड वन. So, यहां कंडीशन बनेगा दिस कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इक्वल टू इसी का कॉन्जुगेट, तो जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड वन कॉन्जुगेट होल बाय जेड टू कॉन्जुगेट माइनस जेड वन कॉन्जुगेट. अब देखो ये वैल्यू क्या था, डिटर्मिनेंट है 2/2 का, ओपन करोगे तो मिलेगा जेड माइनस जेड वन
into z2 conjugate minus z1 conjugate minus z2 minus z1 into z1 conjugate minus z1 conjugate. इसका वैल्यू देखना है और यहां भी सेम चीज बन रही है. जरा ऑब्जर्व करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों सेम है, माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों सेम हो गए, तो ये आंसर शुड बी जीरो. तो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट हो गया. बेसिकली जो क्वेश्चन था उसमें लॉजिक आपके पास खाली इतना ही था कि सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल था, बट ये क्वेश्चन अच्छा क्यों बना, बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन. ठीक है, अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन में कंडीशन बहुत आसान थी, पर उस कंडीशन पर बेस्ड जो ऑप्शन दिए गए थे वो ऑप्शन अच्छे थे, जिसके थ्रू डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी आ गया, सेक्शन फॉर्मूला भी आ गया, आर्ग्यूमेंट भी हो गया, एंड फॉर डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन भी आ गया आपके पास. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider a square ABCD such that Z1, Z2, Z3 and Z4 represents the vertices ABCD respectively. Now we have to express Z3 and Z4 in terms of Z1 and Z2. थोड़ा समझते हैं geometrically क्या बोला गया आपने को. सबसे पहले ABCD is a square और आपको चारों vertices के corresponding complex number बता रखा है कौन कौन सा है. Let this be A, B, C and D. Now A अपने को दे रखा है यहाँ पे Z1, B is Z2, C is Z3 and D is Z4. Now, हमको Z3 और Z4 को express करना है in terms of Z1 and Z2. So, इसका approach क्या होगा ये समझना. I would start with Z3. Z3 बताऊंगा, Z4 अपने आप कर सकते हो. So, सबसे पहले AC को join किया. The reason is कि जब मैं AC को join करूंगा तो मुझे यहां पे ये जो एंगल है ये एंगल पता है. ये एंगल क्या हो जाएगा अपने पास पाई बाय 4, दैट इज 45 डिग्री. अब हम लोग यहां पे क्या कंडीशन यूज कर सकते हैं ये समझना. एज इट इज अ स्क्वायर, ये साइड का लेंथ, ये साइड का लेंथ, इनफैक्ट चार साइड का लेंथ क्या हो जाएगा अपने पास सेम, और उसका जो डायगोनल का लेंथ होगा दैट वुड बी रूट टू टाइम्स द लेंथ ऑफ साइड. नाउ अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था रोटेशन थ्योरम, उसी को यहां पर अप्लाई करते हैं. अब इस रोटेशन थ्योरम को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मुझे नो डाउट Z3 को Z1, Z2 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो एक काम करता हूं, इसी के रिस्पेक्ट में अप्लाई करता हूं रोटेशन थ्योरम. नाउ बी केयरफुल, एंगल ऑफ रोटेशन हमेशा हम लोग कैसे देखते थे एंटी क्लॉकवाइज. सो यहां पे मैं ऐसा साइन दिखाता हूं जिससे आपको ये इजी हो जाएगा पता करना कि फाइनल कौन है, इनिशियल कौन है. सो अगर मैंने यहां से यहां पर रोटेशन लगाया तो ये हो गया फाइनल. अब अपना कंडीशन कैसे बन जाता. सो एज पर दी रोटेशन थ्योरम, फाइनल पहले मतलब Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z3 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z3 इंटू ई टू द पावर आई थीटा. उनके बीच का एंगल कितना दिख रहा है अपने को पाई बाय 4. सो ई टू द पावर आई टाइम्स पाई बाय 4. नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये पार्ट को सेम रखते हैं अभी. Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इक्वल्स. अब अगर मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूं तो Z1 माइनस Z3 डिनोट्स द लेंथ ऑफ डायगोनल एंड Z2 माइनस Z3 डिनोट्स द लेंथ ऑफ साइड. हमको पता है कि हमेशा डायगोनल जो है वो रूट टू टाइम साइड होता है, तो इसका जो रेशियो होगा ये आ जाएगा अपने पास रूट टू. ई टू द पावर आई अल्फा, इसका वैल्यू होगा कॉस थीटा दैट इज कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4. Now, values को put कर देते हैं. So, Z1 minus Z3 upon Z2 minus Z3 equals to root 2 times cos theta, that means 1 by root 2, plus I sin theta, that is again 1 by root 2. So, यहां से मुझे condition मिल जाएगा, Z1 minus Z3 is equal to, यहां बचेगा अपने पास 1 plus I times Z2 minus Z3. इसी को रीअरेंज करते हैं बिकॉज हमको Z3 का वैल्यू निकालना है. सो Z3 के सारे टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे और Z1 के सारे या Z1 Z2 एक तरफ कर लेंगे. ये Z3 नेगेटिव है तो इसको यहां शिफ्ट करते हैं और Z2 के टर्म्स को अरेंज करते हैं. ये हो जाएगा Z1, Z2 के टर्म्स में है 1 प्लस आई माइनस ऑफ 1 प्लस आई टाइम्स Z2. नेगेटिव का पार्ट यहां पे आ गया, ये Z3 इधर गया, सो दिस बिकम्स प्लस Z3 और यहां पे क्या बचेगा अपने पास माइनस Z3 एंड माइनस ऑफ IZ3, माइनस ऑफ IZ3. ये दोनों आपस में कैंसिल. यहां पे कंडीशन ऐसा बना
कि दिस साइड माइनस आई जेड थ्री बन रहा है, कुछ नहीं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आई, जब आई से मल्टीप्लाई किया तो यहां हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन, तो फाइनली आपको जेड थ्री का वैल्यू मिलेगा. नाउ योर जेड थ्री शुड बी इक्वल टू आई टाइम्स जेड वन माइनस आई टाइम्स जेड टू और माइनस ऑफ आई स्क्वायर टाइम्स जेड टू. आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस, सो माइनस माइनस प्लस वन, तो फाइनली अपने को आंसर मिलेगा z3 इज इक्वल टू i टाइम्स ऑफ z1 माइनस z2 प्लस z2. ये आ गया अपने पास z3 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z2. किया कुछ नहीं, कैलकुलेशन पार्ट था, बट द लॉजिकल पार्ट वॉज कि हमको स्टार्ट करना था रोटेशन थ्योरम से. अब ना रोटेशन थ्योरम क्लिक कैसे करता है, उसका अप्रोच क्या होता है, तो एक चीज समझो. जैसे आपको बताया था मैंने कि एक तो ट्राइंगल का केस ध्यान रखना, पॉलीगन का केस ध्यान रखना, तो यहां भी ट्राइंगल ही बन रहा था. एंड सेकेंडली जब आपको साइड्स के लेंथ पता हो तो भी इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज कहने की रोटेशन थ्योरम को सॉल्व करते हुए एक साइड तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है बट सेकेंड साइड जो है वो साइड के लेंथ होते हैं अपने पास, जिसको डिस्टेंस बोल सकते हैं हम लोग, और साथ में एंगल भी होता है. तो क्योंकि स्क्वायर था एक स्टैंडर्ड हम बोलेंगे पॉलीगन था अपने पास, जिसको हम कह सकते हैं रेगुलर पॉलीगन, तो उसमें एंगल्स भी हमको डिफाइन होते हैं और साथ में साइड भी पता थे, इसलिए हम लोगों ने रोटेशन थ्योरम को यूज कर लिया. नाउ इसी का सेकंड पार्ट अगर z4 सॉल्व करना होगा तो अब क्या कर सकते हैं, z4 के लिए दो प्रोजेक्ट है अपने पास, या तो आप इसको यहां से ज्वाइन करो या फिर डायरेक्टली इसी ट्राइंगल को यूज करते हुए z3 यूज कर लो, जब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. z4 के लिए सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, अगेन अब इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर आई टेक दिस एंगल एज पाई बाय 4. अगेन बी केयरफुल विद एंगल ऑफ रोटेशन, तो ये हो जाएगा आपका रोटेशन एंगल, पॉजिटिव लेना है हमको, इसलिए पॉजिटिव ले लेंगे. तो यहां से आपका फाइनल कौन सा हो गया, फाइनल हो जाएगा z1 माइनस z4 और इनिशियल हो जाएगा अपने पास z2 माइनस z4. सो सेम लॉजिक सेम एक्सप्रेशन से हम इस पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ यहां तक के पार्ट में हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक एप्लीकेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक एंगल, उसको यूज करके ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमने यहां इस पार्ट में देखा. नाउ जो आपका सेकेंड पार्ट रहेगा इस वीडियो का, उसमें सर्कल, पैराबोला, That means, ellipse, जो भी ज्योमेट्रिकल आपके पास कोनिक सेक्शन के फिगर होंगे उसमें ज्योमेट्री अप्लाई कैसे होता है वो हम सेकंड पार्ट में देखते हैं.